उसमें जो प्रेजेंस हमारा ह्यूमन प्रेजेंस है ह्यूमन फुटप्रिंट जो है इसके इलाके में बढ़ गया है. वो एक तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस वो कारगिल वॉर के बाद उनकी प्रेजेंस ज्यादा रही, उनके कैंप्स जगह जगह इसके हैबिटेट में जगह जगह है. तो उनका जो तरीकेकार है, उनका जो गार्बेज डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं है. इसके साथ साथ हम लाइवलीहुड जो इफेक्ट होता है, जो रोजी रोटी उनकी मारी जाती है, जो हमारे लोकल कम्युनिटीज हैं उन पर जो असर पड़ता है इससे, उसका ऑल्टरनेटिव हम दे सकते हैं जो कि बेहतरीन यही है कि इको टूरिज्म हम उसको बढ़ावा दें ताकि लोग आए और ये ब्राउन बियर को देखने आए. तो वो जब आएंगे तो वो गाँव में रुकेंगे. प्रेजेंस ऑफ फोर्सेज ऑल्सो, तो जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं वो भी इनके हैबिटेट में उसको डिग्रेड करने में दैट इज ऑल्सो ए रीजन. एंड अनफॉर्चुनेटली वन मोर इशू इज की क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका भी अगर हम देखें तो ह्यूमंस और मेजर वाइल्ड डिपार्टमेंट से भी उनका एक पर्सपेक्टिव अगर आप में से कोई बता पाए कि क्योंकि ये एक्टिवली फील्ड में काम करते हैं तो इशू एक्चुअली इनके हिसाब से क्या है और इनको क्या चैलेंजेस आते हैं. कबशीर अगर आप हमें बता पाएं कि आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं फील्ड में और आपके हिसाब से क्या ये रीजंस हैं क्योंकि आप लोग मतलब एक्टिवली गाँव में काम करते हैं जी. तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हैं मतलब जिसकी वजह से जैसे आपने इंटरव्यू में भी कहा कि एक तो मतलब लोग खाना डालते हैं और उसके अलावा और क्या रीजंस आपको लगता है और क्या सॉल्यूशन लोग क्या कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे जिससे कि जो इनका इंट्रूजन है गांव में वो कम हो जाए. दूसरा कंफ्लिक्ट जो है ये ब्राउन बियर गैस का इसका ये नुकसान जो है काफी ज्यादा हो गया. ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले जमाने से ब्राउन बियर का थोड़ा बहुत नुकसान होता था तो उस वक्त उनके पास काफी तादाद में माल मवेशी होते थे तो इतना असर नहीं पड़ता था. हर किसी के पास माल मवेशी काफी तादाद में होते थे, कंपनी उस वक्त भी जरूर होते. तो उसमें एक लामा आबालू आबा जो हम बोलते हैं आबा आमची उनका एक वर्कशॉप में मैंने भी वहां पर पार्टिसिपेट किया था. पॉइंट शेयर किए और इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम भी डिस्कस करने वाले थे. तो मेजर यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स. वी आल्सो नीड टू सेंसिटाइज लोकल कम्युनिटीज टू अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस एनिमल. जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली ऑटम में दिस एनिमल की यूजली माइग्रेट करता है थोड़ा डाउनवर्ड्स क्योंकि इनका हाइबरनेशन पीरियड बड़ा होता है. इट नीड्स टू फीड इंटेंसिवली ताकि वो बहुत ज्यादा फैट स्टोर करे टू यू नो सर्वाइव द हाइबरनेशन पीरियड. तो इस एनिमल के बिहेवियर के बारे में भी मानो उस पीरियड पे हम ओवर ग्रेजिंग कम कर रहे हैं यू नो और उस पीरियड पे हम थोड़ा कॉशियस रहे तो सारा प्रोन होता है अटैक्स को उस टाइम में. तो that can also play a very vital role in minimizing human wildlife conflict. Capacity building is very important of local communities. हर टाइम पे हर जगह पे आपके वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स नहीं पहुंच सकते हैं. हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को इस वर्कशॉप को जो ब्राउन बियर के नुकसान के बारे में इसका प्रिजर्वेशन कैसे करें इन चीजों में हमने अभी भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से वाइल्ड लाइफ के सामने अभी पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई है किया हुआ है. इनसे मेरी हिसाब से बात भी हुई थी वहां पे भी इंटेंसिफाई किया हुआ. लेकिन एक बात देखिए सर, जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं इंतजार साहब यहाँ पे जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं मुझे लगता है ट्रैंक्विलाइजर्स होने चाहिए. जब रिलोकेट करना है आपको ऐसे किसी फियर्स एनिमल को आप हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट ईयर भी एक स्नो लेपर्ड था यहाँ पे ये चीजें खासकर लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कुछ ऐसे एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर भी या इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करते हैं जो इन रेयर स्पीशीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए इनके प्रोडक्शन के लिए कुछ एजेंसीज हैं जो कुछ फंडिंग भी करती है. पिछली बार भी मई के महीने में जो आपने वीडियो क्लिप भी दिखाया उसमें बच्ची को लगी वो बेसिकली
ग्राउंड के अंदर आ गया था बरू. दिस मीन्स दैट दे आर शिफ्टिंग देयर टेरिटरी. वो आपने डिस्कस भी किया था, देखा भी है. हमारे पास अराउंड 6 नोटिफाइड एरियाज हैं, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं. हम कुछ इश्यूज हैं, हम ले वाले से टेकअप कर रहे हैं कि हम वो एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज सेंचुरीज या डिक्लेयर कर लें. अगर जब वो डिक्लेयर हो जाएगा उससे हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, जैसे हमें ट्रैंकुलाइजर्स चाहिए या कुछ और वो चीज़ें चाहिए, वो हमें प्रोटेक्टेड एरिया से मिल जाएंगे. लेकिन इस समय बेसिकली जो इशू ये है कि हमें इन्हीं रिसोर्सेज से काम चलाना है. जितना स्टाफ है हमारे पास, आपकी मदद से काम चलाना है, और जो लोकल अवेयरनेस जो आप कर रहे हैं उससे काम चलाना है. वैसे कोई फॉर्मल सेंसस तो हमारे पास है नहीं कि हमारे पास कितने यहाँ पे ब्राउन बेयर्स है. कोई फिगर है आपके उनके पास? नहीं है सर, कोई डेटा अवेलेबल, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. तो बेसिकली हमें फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए कि हमें मैपिंग करनी चाहिए कि कितने हमारे पास ब्राउन बेयर्स हैं. हम उसके लिए, मैं आपके वाइल्ड लाइफ वार्डन इस समय तो है नहीं, वो श्रीनगर किसी मीटिंग में गए हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा मैपिंग जो कि एटलीस्ट 67% एक्यूरेट हो उससे करें, और कितनी डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है उसको कम करें. फिर आप उन विलेजेस में जाएं और वहाँ पे जाकर अवेयरनेस थोड़ी फैलाएं. बाकी जो सर ने हमें कहा कि उसके रिवाइज करना है, उसकी कॉम्पनसेशन वगैरह और कोई इश्यूज हैं स्टाफ का, वो सब हम टेकअप करेंगे. ये राइट नाउ हमें, मुझे जरूरत लग रही है कि हमें गाँव में जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भालू जैसे आपको देखे आप उसको मारना नहीं है, आप उसे फर्स्ट उसको भगाने की कोशिश करें. जैसे हम इनको पटाखे देते हैं, मुझे पता नहीं वो सही मेथड है कि नहीं है, लेकिन पटाखे से होता क्या है कि बालू हाइब्रिडेशन से दूर भाग जाता है, उससे बालू की जान भी बच जाती है और जो हमारे जो विलेजर्स हैं उनकी जान भी बच जाती है. तो जब तक हमारे उस पर परमानेंट मेजर्स नहीं आते, हमें इन्हीं मेजर्स से काम चलाना पड़ेगा. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्पेशली इंटरेस्टफोन हैं, हमारे द्रास के कुछ विलेज हैं, बिब्बट साइड हैं, वहाँ पर ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी नोट कीजिए. आप वहाँ जाएँ और विलेजेस के साथ जाके एक दो प्रोग्राम करें. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.